2022 में एंट्री कर गई है एग्जिट, और ये एग्जिट कैसे ली है विंध्या और रंजीश ने, रवि और शैली कहेंगे आज साथ में है दोनों, तो जरा पोस्टर हमने ट्रेलर देखा, पोस्टर देख रहे हैं, तो ये जो एग्जिट आप लोगों ने ली है, एंट्री की जगह जो एग्जिट मारी है, तो वो कितनी धुआंधार है जी। वी आर होपिंग कि 2022 में एग्जिट से ही हम एंट्री लेंगे, और तभी हम लोग सबसे पहले 11 जनवरी को एग्जिट के साथ आ रहे हैं। दिस इज़ अ फैंटास्टिक थ्रिलर, हमने जितना भी देखा अब तक एंड जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इट्स ग्रेट, एंड वी आर होपिंग दैट ऑल द ऑडियंस लव्स इट। रवि और शैली का आपको काफ़ी नोकझोंक देखने को मिलेगा, एंड इट्स अ हिलेरियस अंडरलेड कॉमेडी प्लस अ थ्रिलर, सो वो सब शैली ज़्यादा बताएंगे आपको। सो यस, मुझे तो मतलब थ्रिलर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सिचुएशनल कॉमेडी है, मतलब आपको बस देख देख के हंसी आती रहती है। मैंने जितनी बार भी स्क्रिप्ट पढ़ा है मैं हर बार हंसती हूँ, तो आप इमेजिन करिए जो हमने शूट किया था तब भी हम सब हंसते ही रहते थे, मतलब हंसते हंसते हमारी शूटिंग हो गई ऐसा हुआ। टॉकिंग अबाउट आवर केमिस्ट्री, यस हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल रॉकिंग होने वाली, क्योंकि हर घर में बीवी और पति में ऐसी नोकझोंक होती रहती है, बहुत आम बात है, लोगों को लगेगा हाँ बिल्कुल रियल कैरेक्टर है। इतनी आम बात भी नहीं है ये, आई वोंट एग्री, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही है, बट आई एम श्योर ऐसी होती है बिकॉज आप एक बात बताओ, मैंने इससे शादी बताया क्यों की थी, सिर्फ इसलिए की थी कि लॉर्ड्स में बैठ के ना मैं लस्सी पीऊँ, सारे क्रिकेटर्स की बीवियाँ जाएं घूमने, तो इतने बड़े क्रिकेटर ये हो जाएं कि मैं इनके साथ एकदम हॉट वॉट बनकर घूमूं, सपना जो है वो सपना ही रह गया। शादी जिस, आप बताओ कितना बड़ा धोखा हुआ है इस लड़की के साथ, तो इस लड़की का तो साहब जो है क्या है, मतलब आपके अभी से शिकायतें जो है वो वही है, आप समझिए कि अगर अभी शिकायतें हो रही हैं तो सोचिए कि सीरीज के अंदर क्या होगा। तो मतलब रोज जब ये वापस आता है क्रिकेट की कोचिंग देके घर पहुंचता है, सब्जियों का पैकेट लेके घर पे रखता ही है, तब से मतलब इसके सर पे बस हथौड़े पड़ने लग जाते हैं, और ये शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये होना है, ये बच्चे का फीस है, ये करना है, तो बेसिकली इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। एंड दैट्स हाउ मतलब इवन दो वो सिचुएशन में ही आपको हंसी आएगी बेसिकली। पॉलिसी वाला जो ट्विस्ट है वो इनके कारण ही आपको लेना पड़ गया है, मतलब उसमें अंदर पहले बैटिंग में घुसता है, बैटिंग में पैसा हारता है, वो पैसा चुकाने के लिए ये पॉलिसी का सोचता है, मतलब ये सब मिलके सोचते हैं कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर पिंटू जो मनीष प्ले कर रहे हैं, अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है तो कैसे, अब कुछ ना कुछ तो लूप होल होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मनीष यार कुछ तो बता, तो वैसा फिर ये कुछ निकालते हैं कि यार ऐसा कुछ तिगड़म लगाओ कि हम लोग कर लें, ऐसा मतलब हो जाए, पैसा भी मिल जाए और मैं मरूं भी ना। एक बार तो ऐसा आता है कि ये प्लान बोलते हैं कि नहीं यार रहने दो फालतू में, नहीं करते हैं, तो शी इज़ लाइक नहीं नहीं आई एम योर बीवी, आई एम योर सपोर्ट, शी इज़ वेरी हैप्पी कि अरे मर जाए बाढ़ में जाए, पैसा मिलना चाहिए। शी इज़ प्रैक्टिकल, शी इज़ लाइक जो सोशल मीडिया क्वीन कहेंगे, हर चीज़ जो है फुल ऑन, शी इज़ अ सोशल मीडिया क्वीन, और वो चाहती है कि ये किंग बन जाए, और ये किंग बन ही नहीं रहे, पूरी मेहनत करते हैं, लाइक हैं लेकिन क्वीन है मतलब don't reveal my followers. मतलब ये ऐसे आएंगे, ये देखिए मेरे पीछे मेरे रवि, मेरे क्रिकेटर पति, पर ऐसा है, कुछ नहीं, वहाँ पे 5-6 लोग कमेंट कर रहे होते हैं बट देयर इज अ हिलेरियस सीक्वेंस जो लेक वाला है, yeah. जहाँ पे सुसाइड करने जाते हैं, सब जाते हैं मिलके इसको मारने बेसिकली और वो लाइव है इंस्टाग्राम पे, मतलब उस समय, तो दैट एक्चुअली इज अ फैंटास्टिक सिचुएशन टू सी, मतलब करना तो था ही लेकिन इवन देखने के लिए वो बहुत ही आई स्टिल रिमेम्बर मेरा एक दो टोन, हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पति हैं एंड ही इज लाइक आई डोंट वांट टू बी हियर। ऐसे कभी सिचुएशन, ऐसे कभी जो ये पॉलिसी का जो सोचा मन में ऐसे तिकड़म आई है, ऐसे कभी रियल लाइफ में कभी किसी ने सोचा है? नहीं, टच वुड, अभी तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन मतलब ये आइडिया सी है, तो मतलब आइडिया तो है बट वही, एंड आई एम श्योर कि अगर ये टर्म नेट पे है जो इसको मिलता है सुडोसाइड, तो आई एम श्योर कि ऐसी चीज़ें होती हैं एंड लोग करते ही हैं। लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द रोल, जब मैं कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा और मैंने पढ़ा बहुत सारा कि US के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इंडिया में भी हैं लेकिन US में सुडोसाइड सबसे ज़्यादा केसेस थे एक टाइम पे, आई थिंक इन द 80s एंड द 90s मैक्सिमम। सो लोगों ने अपने आप को बुक्स में गायब कर लिया था एंड दैट मनी वेंट ऑफ टू देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलियों को मिला और उससे बेसिकली, एंड फिर वो करीब एक साल कहीं और या तो जी रहे हैं या फिर आ गए वापस घूम फिर के लुक बदल के। तो फिलहाल जो है शैली का कैरेक्टर कितना मज़ा आया, कितना पूरा जर्नी कैसी रही?
बहुत बहुत अच्छी रही। ऑनेस्टली मैंने वही बोला कि जब लेड कैरेक्टर्स होते हैं और एज एन एक्टर जब सब लोग आप पर इतना भरोसा करते हैं, यू नो नितिन सर, विभू सर, सेवन सेंस प्रोडक्शंस एंड एवरीबडी हु रियली यू नो थॉट दैट आई वाज द ओनली चॉइस फॉर दिस रोल, सो आई फेल्ट रियली ग्रेट अबाउट इट। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी वेरी नर्वस ऑल्सो बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है व्हेन पीपल रियली हैव फेथ ऑन यू। तो लेकिन जब हम वहाँ पर गए एंड यू नो हिम बींग रियली नाइस, मतलब नाइस को एक्टर, बिकॉज हम लोगों ने जब भी काम किया हम कभी भी आई डोंट इवन रिमेंबर हमने कई बार तो ऐसे ही वन टेक्स दिए हैं और बहुत सारे हमारे आप वेब सीरीज़ में देखेंगे हमने एक्चुअली बहुत सारे वन टेक दिए हैं। एक सीन है पर्टिकुलरली जिसमें कि इनको पानी में डुबा रही हूँ मैं, दैट वाज अ वन टेक और वो हमारे उस पूरे सीक्वेंस का लास्ट मतलब बाल्टी में इनको प्रैक्टिस करा रही हूँ। हाँ, और वो पूरा वन टेक है और इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज एज एन एक्टर जब आप वन टेक करते हो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तभी आप एज एन एक्टर कर पाते हैं, तो मज़ा आता है बिकॉज यू आर एबल टू शोकेस योर टैलेंट एंड एट द सेम टाइम बी इन दैट मोमेंट, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो वन टेक हैं हमारे इस वेब सीरीज़ में जो कि यू नो एज एन एक्टर यू फील लाइक वाओ नाउ दिस इज समथिंग विच आई डिड रियली नाइस। तो या सो आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग फॉर इट। हाँ, इनको उसका मज़ा आ रहा होगा, मैं तो पानी के अंदर था लेकिन पानी से बाहर निकल के भी मेरा काफ़ी था। और एज ए रवि कैसे पूरा तैयारी, मतलब क्रिकेट से कितना प्यार और कितना मज़ा आया ये? सी लकीली क्रिकेट मैं बचपन से ही खेलता आया हूँ और अभी भी मतलब खेलता हूँ, तो क्रिकेट से रिलेटेड एक चीज़ थी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब उन्होंने बताया कि एक कोच है और उसके बाद एक फील्ड क्रिकेटर है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो लेयर्स बढ़ जाती हैं, देन यू थिंक ऑन द अदर टर्म्स जिससे आप सीख रहे हो उसकी लाइफ में घुसते हो आप, कि मतलब क्योंकि देर आर कपल ऑफ कोचेज जहाँ पे हम लोग नेट्स करते हैं, तो आपने उनसे थोड़ी बातें की मतलब, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस पर्सन एज अ होल कि रवि का माइंडसेट क्या होगा, बिकॉज मतलब उसकी पत्नी उसको इतना वो करती है, उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब उसको उसके बारे में सोचना है, इसका मतलब मार्केट का पैसा देना है इसने और मतलब महीने का इसके पास पैसा भी ऐसा नहीं आता है, तो बहुत सी चीज़ें थी जो ऑब्वियसली देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन लिव दैट। एंड मुझे बहुत मज़ा आया रवि प्ले करके, क्योंकि एक पॉइंट तक वो है और उसके बाद वो चेंज होता है, तो वो चेंज भी जब होता है तो दैट चेंज ओवर इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव प्लेइंग दैट ग्रे शेड ऑल्सो, तो वो ग्रे में चले जाता है। ये तो साल की शुरुआत हो गई आपकी, मतलब साल में एंट्री ले ली आपने एग्जिट से, तो पूरा साल और कैसे जाने वाला है, कैसा लग रहा है, क्या क्या पाइपलाइंस बन चीज़ें? जी साल टच वुड एंड होपफुली इफ ऑल द इज द पैंडमिक गोज अवे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म कॉल्ड बाल नरेन, ये सोहम रॉकस्टार के साथ है, दीपक मुकुट जी के, एंड ये स्वच्छ भारत अभियान पे है, सो दैट इज़ देयर इन द पाइपलाइन। देन देर इज़ इंस्पेक्टर अविनाश फॉर जियो विच इज़ नीरज पाठक रणदीप हुड्डा। सो एग्जिट एंट्री एंड देन एंट्री विथ माई फिल्म कन्वर्जन जो कि रिलीज़ के लिए तैयार है लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है, और मैं ही नहीं, आई थिंक हिंदुस्तान का हर एक यू नो मैं जब भी आजकल कहीं भी पोस्ट करती हूँ, लाइव जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, एवरी बडी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर कन्वर्जन। सो येस इट्स अ गुड न्यूज़ कि कन्वर्जन आ रही है और बहुत जल्द डेट भी आ जाएगी, तो बस उसके प्रमोशन में वापस से आप लोगों से मुलाकात होगी एंड दैट्स इट। एन एग्जिट टू, एन एग्जिट टू, यस। All the best. Yeah, exit 2, exit 2, exit 2. Thank you.